लगातार 58 दिन से ग्रेटर नोएडा के कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर हजारों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन के नेता जो हैं धरने पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पे लगातार किसान यूनियन के एनसीआर के नेता सुभाष चौधरी 58 दिन से आज किसान धरने पर है और शासन प्रशासन ने अभी तक कोई ऐसी सुध नहीं ली है जिससे कि किसान एक संतुष्टि भरा एक आश्वासन समझे, और आश्वासन भी ऐसा नहीं दिया गया। आज किसान इतना यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान, कई हजार की तादाद किसान यहाँ पर आया है। आज किसान उस पैटर्न पर कौन से काम कर सकता है कि अगर इन्होंने इनकी वो पानी की व्यवस्था है, इनकी मांगे पूरी नहीं की, तो एक आर पार की लड़ाई के मूड में किसान यहाँ बैठा हुआ है। ये बताइए, 58 दिन हो गए हैं, पानी की समस्या बहुत हो रही है, आपका आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, सरकार के कान पे अभी तक जू नहीं देंगी है। इनकी मनसा, इनकी नीति और करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो 2019 में इसमें किसान आज जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। जी बिल्कुल, किसान जो है लगातार आंदोलन छेड़ने के लिए तैयार है, लगातार लड़ाई करने के लिए तैयार है। यहाँ पे तमाम जगहों से, तमाम उत्तर प्रदेश के और कई राज्यों के लोग जो हैं किसान यहाँ पे आए हुए हैं और लगातार अपनी मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से किसानों की जो मांगे हैं उन्हें सरकार उठाए और किसानों को उनका हक दिलाए। यहाँ पे विनय कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद कानपुर। यहाँ पिछले 58 दिन से गौतम बुद्ध नगर के किसान धरना दिए बैठे अपनी जमीन के उचित मुआवजे के लिए। इनके समर्थन में सब लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आज आए हैं और प्रशासन को ये जगाना चाहा कि किसान अपनी जायज मांग मांग रहा उसकी तरफ तो ध्यान दे, कि केवल अखबारों में रोड टेलीविजन में मोदी जी और योगी जी दोनों छाए रहे। अब हमने किसान की आय दुगुना तिगुना चौगुना ये करेंगे, लागत मूल्य देंगे, तो एक किसानों की जायज मांग है। हरी जमीन ले रहे, उस पर व्यवसायिक आप जो है कमरे बना रहे, प्लाट काट रहे, उनके रेट तो आप लाखों वर्ग गज में दे रहे, हमें 100 रुपए गज में ले रहे, हमारी जमीन तो उसका उचित मुआवजा दिया जाए। और लोग भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए है, मुजफ्फरनगर से ये किसान नेता है, इनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए, जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार कहती थी किसानों की मदद की जाएगी, क्या अभी तक मदद हुई है कुछ? अभी कोई मदद नहीं हुई, सरकार झूठे वादे कर रही, सरकार का इसमें कोई कार्यक्रम नहीं इस किस्म का जो इस किसान की तरफ को सुना रही है। और ये जमीन हमारी ली तो उसको हमें कीमत तो चाह, जब जमीन की कीमत देंगे हम सड़कों पर रहेंगे, हम कैसे जमीन दे देंगे भाई? हम तो यहाँ कहे हैं, वो तो सरकार कह रही किसान नहीं भगवान है, भगवान यहाँ 55 दिन तक भूखा मर रहा, पानी नहीं मिल रहा, कहाँ थे भगवान का दर्जा दे दिया जो इनका पेट पड़ रहा? जो नकारा अधिकारी है ना सस्पेंड क्यों नहीं करते? जो किसान ने संतुष्ट नहीं करता, कहीं की नौकरी ले रहे या कुर्सी ना दान में मिली के, या जनता की सेवा करने के लिए कुर्सी मिली इन्हें? ऐसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा, बर्दाश्त। जी बिल्कुल, साफ तौर पे किसान जो है यहाँ पे धमकियां दे रहे हैं सरकार को कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये लोग चक्का जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन और इनका उग्र होगा। अब देखने वाली बात ये होती है कि किसानों का 58 दिन तो हो गए हैं, आखिर सरकार इन किसानों की बातों को कब सुनती है।